Hey guys, welcome back to my YouTube channel Hospitality Buzz and I hope you all must be doing really well. अभी तक अगर आपको guys याद होगा एक मैंने वीडियो बनाई थी कि काउंसलिंग प्रोसेस जो है उसका जो schedule आया था उसे मैंने explain करा था schedule को, लेकिन guys उस टाइम पर ना कोई भी information bulletin नहीं आया था NTA या फिर NCHMCT की तरफ से about the NCHMCT JEE 2023 counseling. So please understand guys, एक तो है schedule में dates दे रखे कि किस date को क्या होगा, लेकिन first round में actual में होगा क्या, second round में actual में होगा क्या, चॉइस फिलिंग कैसे करनी होती है, चॉइस फिलिंग होती क्या है, फ्रीजिंग क्या होता है, फ्लोटिंग क्या होता है, रिफंड की पॉलिसी क्या है, कब कौन से राउंड में आपको क्या मिलेगा, एक राउंड में सीट रिजर्व करके नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं कि नहीं, कौन सा ऐसा राउंड है जिसमें आपको कोई भी फीस रिफंड नहीं होगी, तो ये सब ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं. एंड गाइज प्लीज, अगर आप लोग NCHMCT JEE 2023 के एस्पिरेंट हो ना, इस वीडियो को पूरा डिटेल से देखना, क्योंकि जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब देखो, ये वीडियो ना मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करके बना रहा हूँ और हमारे लिए भी मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में रिसर्च करनी होती है ऐसे टॉपिक के ऊपर, ताकि हम लोग कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दे दे आपको. सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, हम लोग अभी जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. मैं आप लोगों को पूरा यहाँ पर शो कर दूंगा पिक्चर में, साथ साथ उनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो आपको भी पता लगता रहेगा हम लोग किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं. बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इससे पहले कि हम लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को खोले, आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट कर दो कि आपके ऑल इंडिया रैंक कितने आई है. मुझे बस जानना है गाइज, मतलब ऑफकोर्स इतने टाइम से वीडियो बना रहे हो, दिमाग में बहुत क्रेज रहता है, तो मुझे जानना है कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे यूट्यूब की वीडियोज देखते हैं, उन लोगों की कितनी ऑल इंडिया रैंक आई है. तो प्लीज जल्दी से अपनी कमेंट करो ऑल इंडिया रैंक. नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा. ये गाइस आप लोगों को सब कुछ पता है, यस 3 साल की डिग्री होती है, 2 साल की एमएससी होती है, 3 साल की बीएससी होती है. अभी वो 3 साल में आपका 4 साल का भी ऑप्शन आ गया है, करियर ग्रोथ के बारे में दे रखा है. ये सब हम लोग पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में भी डिटेल से नहीं करेंगे डिस्कस. सो गाइस, यहां से हमारी सबसे मेन चीज स्टार्ट होती है, दैट इज काउंसलिंग प्रोसीजर. तो अगर गाइस काउंसलिंग प्रोसीजर की बात करें, तो उसमें सबसे पहले तो एक चीज आपको अपने ध्यान में रखनी है, जो यहां पर क्लियरली स्टेट कर रखी है, वो है कि आप लोगों को 2000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन करना है, और गाइस 2000 रुपए नॉन रिफंडेबल है. अगर आप एक बार पे करते हो, आपको वो पेमेंट दोबारा, पहली बात तो आपको दोबारा पेमेंट वो नहीं करनी, ठीक है. जो NCHMCT को पे करोगे ना काउंसलिंग के 2000 रुपए, वो आपको दोबारा पे नहीं करने, राउंड 1, राउंड 2, 3, 4 में अलग अलग पे नहीं करना है, सिर्फ एक ही बार ही करना है. एंड सेकंड थिंग इज कि गाइस, ये वन टाइम नॉन रिफंडेबल फीस है, आप लोगों को ये रिफंड नहीं होगी. अगर आपको एडमिशन नहीं लेना, आपका दिमाग चेंज होता है, आपको कोई भी कॉलेज ना मिले, 2000 रुपए आपको रिफंड नहीं होगी, दैट इज क्लियरली गिवन हियर. अब गाइस जो मैं बात बताने जा रहा हूं, आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान से सुननी होगी. यहां पर मैं फर्स्ट राउंड के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं. तो यहां पर लिखा है कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल ऑप्ट देयर चॉइसेस ऑफ इंस्टीट्यूट इन फर्स्ट राउंड एज पर शेड्यूल. द कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट देयर चॉइस इंस्टीट्यूट वन और मोर. ईच कैंडिडेट मस्ट फिल चॉइसेस केयरफुली. द कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट ओनली दोज इंस्टीट्यूट इन द चॉइसेस in which the candidate is willing to join and the sequence should be best choice first and so on. The seat will be allotted based on their NCHM JEE All India Rank reservation category and choice preference of the choice of institute opted by the candidate by online system. So guys, यहाँ पर clearly दे रखा है कि आप लोगों को जो भी choices करनी है ना, वो बहुत ज़्यादा carefully choices करनी है. सीक्वेंस में आपको सबसे ज्यादा जो बेस्ट है वो ऊपर रखना है, और जो कम बेस्ट है वो नीचे रखना है, जो उससे कम बेस्ट है वो नीचे रखना है. अगर जो कम बेस्ट वाला है उसे ऊपर रख दोगे, वो अलॉट हो गया, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है. आप दूसरे कॉलेजेस को ले सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट प्रॉब्लम आएगी. लाइक ऑफकोर्स उसमें बहुत ज्यादा चीजों में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा. सो बेस्ट थिंग यू कैन डू इज पुट योर बेस्ट कॉलेज एट अपर लेवल. तो जो उसका अपर लेवल है, नंबर 1 नंबर 2, उसमें आपको अपने बेस्ट कॉलेजेस रखने हैं, जो आपको मिल रहे हैं बेस्ट कॉलेजेस. इस गाइस आपको जो ध्यान रखनी है कि जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों के बेस पर अलॉट होगा. सबसे पहली आपकी NCHMCT JEE की रैंक. तो ये जो 2023 का एग्जाम हुआ, इसकी जो रैंक आई है वो इसमें मैटर करती है. एंड सेकंड थिंग मैटर करता है रिजर्वेशन. सो OBC, SC, ST, EWS, ये सारी कैटेगरीज मैटर करती हैं, उसके बेस पे भी फर्क पड़ता है. गाइस थर्ड थिंग इज प्रेफरेंस. सो इमेजिन कि अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 भी है, ठीक है, और आप टॉप 10 के कॉलेजेस में किसी भी कॉलेजेस को चूज नहीं करते हो, तो आपको टॉप 10 का कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा. अगर आप नंबर 11 का कॉलेज चूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी छोटा मोटा कॉलेज, तो वो आपको मिल जाएगा. अगर आप टॉप 10 का कॉलेज चूज ही नहीं कर रहे हो, तो आपको नहीं मिलेगा. गाइस सेकंड पॉइंट दे रखा है, दोस हु आर अलॉटेड द सीट इन फर्स्ट राउंड एज पर द कैंडिडेट चॉइस, द कैंडिडेट हैज टू कंफर्म द सीट ऑन पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस ऑफ ₹20,000 एंड बाय अपलोडिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर. द SAF ऑफ ₹20,000 इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर फीस एंड अकॉर्डिंगली बी सेंट टू फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट आफ्टर काउंसलिंग प्रोसेस इज ओवर एंड इफ नॉट विथड्रॉन बाय द कैंडिडेट. गाइस सेकंड पार्ट में बात करें ₹20,000 के, तो ये जो हम लोगों को 20,000 की फी को वहां पर पे करना है, आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, इसकी आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस में डायरेक्टली इंक्लूड हो जाएगी.
And guys, here's the third point. Those who got allotted seat in the first round and not deposited the seat acceptance fees in the counseling schedule for first round, the allotted seat will automatically be cancelled and the candidate will be eligible to participate in the next round against the available vacant seats only. मान के चलते आप लोगों ने अपने प्रेफरेंस में कुछ कॉलेजेस डाले, ठीक है? आप लोगों को एक भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, आपने सिर्फ दो या तीन डाले, आपने बोला मेरे को इनमें से चाहिए, अगर नहीं मिलता तो मेरे को कॉलेज चाहिए ही नहीं। तो अगर आप कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिलता तो फिर डायरेक्टली आप नेक्स्ट राउंड में जाओगे और आपको 20,000 तो पे करने की जरूरत ही नहीं है, और जो रजिस्ट्रेशन फीस है 2,000 वो आप एक बार पे कर चुके हो। लेकिन इस मान के चलते कि आप लोगों को नए 3-4 कॉलेजेस डाले और उनमें से आपको एक कॉलेज अलॉट हो गया, अब वो जो कॉलेज अलॉट हुआ है आप ये सोच रहे हो कि यार मैंने गलती कर दी, ये कॉलेज डालना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि देखो अगर वो कॉलेज वर्थ इट होगा तो ऑफकोर्स आप उसे रिजर्व करके नेक्स्ट राउंड में फ्लोट कर सकते हो, जिससे मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा फ्लोटिंग फ्रीजिंग को। लेकिन गाइस मान के चलते कि आपको लग रहा है कि नहीं यार ये कॉलेज डालना ही नहीं चाहिए था, गलती कर दी इस कॉलेज को डाल के अभी अलॉट हो गया, सबसे बेस्ट थिंग आप लोग जो कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि आप लोगों को फी पे करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग फी पे मत करो, उस कॉलेज की सीट आपकी उसी टाइम कैंसिल हो जाएगी। फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर आपको नहीं चाहिए वो कॉलेज, आपको फ्लोट भी नहीं करना है, उसकी सीट रिजर्व भी नहीं करनी है, आप फी पे मत करो, ठीक है? अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है और आपको लग रहा है कि यार इस कॉलेज को मुझे बचा के चलना है, इस कॉलेज की सीट रिजर्व करके चलनी है, लेकिन अपग्रेड भी करना है, हो सकता है इससे अच्छा कॉलेज मुझे कुछ मिल जाए, उसके बारे में मैं भी बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा है फोर्थ में, यानी डी पॉइंट में, दोस हु आर अलॉटेड सीट इन फर्स्ट राउंड एक्सेप्टेड द सीट बाय फॉलोइंग द फॉर्मेलिटीज एज मेंशन अबव, बट इज इंटरेस्टेड टू अपग्रेड द चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट इन सब्सीक्वेंट राउंड शुड ऑप्ट फॉर फ्लोटिंग ऑप्शन एंड नॉट फॉर फ्रीज। अब यहाँ पर गाइस ध्यान से समझते हैं फ्लोटिंग और फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है। सो फ्लोटिंग इज बेसिकली जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि आपको राउंड वन में एक कॉलेज की सीट अलॉट हो गई है। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, आप लोग एग्जांपल से अच्छा समझते हो। गाइस मान के चलते हैं कि नंबर वन पे आपने डाला IHM मुंबई, नंबर टू पे आप लोगों ने डाला IHM भोपाल, और नंबर थ्री पे आप लोगों ने कोई SIHM डाल दिया, ठीक है? दोबारा बोलता हूँ, IHM मुंबई नंबर वन, नंबर टू IHM भोपाल, और नंबर थ्री कोई सा भी SIHM आपने डाल दिया, ये सोच के कि ये आपका बेस्ट ऑर्डर है। अब गाइस आप लोगों ने सोचा कि आप लोगों को चाहिए IHM मुंबई, लेकिन आपको मिल गया IHM भोपाल, ठीक है? तो अभी आप लोग ये सोच लो कि यार IHM भोपाल अच्छा कॉलेज है, IHM भोपाल की सीट रिजर्व कर लेता हूँ, अगर मुंबई नहीं मिला तो ऑफकोर्स आई विल गो फॉर IHM भोपाल, लेकिन अगर मुंबई मिलता है तो उसके लिए मैं IHM भोपाल की सीट छोड़ने के लिए रेडी हूँ। अब इस केस में आपको क्या करना है? So, इस केस में गाइस आप लोग सबसे बेस्ट ये कर सकते हो कि जो आपका राउंड वन है जिसमें आपको IHM भोपाल अलॉट हो गया है, जो कि आपने नंबर टू पे डाला था, आपको उस राउंड में सीट एक्सेप्टेंस फीस SAF को पे कर देना है, जो कि 20,000 रुपए की है, और अपने IHM भोपाल की सीट को ले लेना है। अब उसे जब ले लोगे तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, फ्रीजिंग और फ्लोटिंग। फ्रीजिंग का मतलब ये हो जाएगा गाइस कि मैं IHM भोपाल की सीट से सेटिस्फाई हूं, मेरे को काउंसलिंग में और कोई कॉलेज नहीं चाहिए, आई विल गो फॉर IHM भोपाल ओनली, आई एम हैप्पी विद IHM भोपाल। आप अपने आप को फ्रीज कर लोगे, आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा एंड डेट सेट, हो गया, आपको IHM भोपाल मिल गया। लेकिन गाइस अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि यार IHM भोपाल मिल गया अच्छी बात है, बट इट्स ओनली फॉर अ बैकअप, एक रिजर्व करके चल लेता हूं, क्या पता मुझे IHM मुंबई मिल जाए, तो आप लोगों का करना है, आप लोगों को करना है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग गाइस तो वही इंसान कर सकता है जो इंसान फीस पे करेगा। अगर आप लोगों ने फीस पे नहीं करी है, आपकी सीट उसी टाइम कैंसिल हो जाएगी। फ्लोटिंग तो क्या, फिर आप नेक्स्ट राउंड में तो अपीयर हो जाओगे, लेकिन आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो आप लोगों को फीस पे करनी है 20,000 रुपए की, आप नेक्स्ट राउंड में जाओ, नेक्स्ट राउंड में आप देखो, आप IHM मुंबई को ही नंबर वन पे रखो, आप IHM भोपाल को नंबर टू पे। यहां पर एक पॉइंट बहुत जरूरी है गाइस, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, कि गाइस अगर राउंड वन में आपको IHM भोपाल मिला है, आप उसे इसकी सीट रिजर्व करके राउंड टू में जा रहे हो फॉर IHM मुंबई, अपग्रेड करने के लिए जा रहे हो, तो आपको नंबर वन पे तो मुंबई रखना ही रखना है, लेकिन गाइस उस लिस्ट में आपको IHM भोपाल भी डालना है, ठीक है? आप एक से ज्यादा कॉलेजेस डाल सकते हो, चॉइस में मॉडिफिकेशन कर सकते हो। आप हो सकता है गाइस आपके दिमाग में ये आ जाए, आपको किसी ने बता दिया कि यार भोपाल से अच्छा कॉलेज IHM हैदराबाद है, सो गो फॉर IHM हैदराबाद, अगर IHM मुंबई ना मिले, आप IHM मुंबई को नंबर वन पे रख दो, आप नंबर टू पे रख दो IHM हैदराबाद को, और नंबर थ्री पे रख दो IHM भोपाल को। आपको IHM भोपाल की अगर सीट रिजर्व करनी है कि भाई इसकी सीट मेरी रहे मेरे पास, तो आपको IHM भोपाल को उस चॉइस फिलिंग में डालना होगा। अगर आप चॉइस फिलिंग में IHM भोपाल को ही नहीं डालोगे, जिसकी सीट आप रिजर्व करके चल रहे हो, तो उसकी सीट आपको मिलेगी नहीं। तो आपको IHM भोपाल डालना है, जिसकी IHM भोपाल सिर्फ एग्जांपल है, लेकिन जिसकी भी सीट रिजर्व करके फ्लोट कर रहे हो नेक्स्ट राउंड में, उस कॉलेज को आपको डालना है चॉइस फिलिंग में, भले नीचे डालो लेकिन डालो। अब उससे ऊपर हो गया IHM हैदराबाद, अब क्या पता आपको IHM मुंबई ना मिले उस सेकंड राउंड में भी, लेकिन आपको IHM हैदराबाद मिल जाएगा। सेम अगर उसके साथ भी यही सीन है, तो फिर आप थर्ड राउंड में जा सकते हो। अब गाइस यहां पर ई में दे रखा है, द कैंडिडेट कंप्लीटेड द फॉर्मेलिटी एज अबव विद फ्लोटिंग ऑप्शन मे इवन रेज देयर चॉइसेस ऑफ इंस्टीट्यूट इन द सबसीक्वेंट राउंड इन केस अलॉटमेंट इन फर्स्ट राउंड इज मेड इन एन इंस्टीट्यूट अदर देन फर्स्ट चॉइस एंड ऑप्ट फॉर फ्लोटिंग फॉर नेक्स्ट राउंड एट द सेम टाइम नॉट रिवाइज द चॉइसेस अलॉटमेंट इन सबसीक्वेंट राउंड विल बी कंसीडर्ड विद इन द अर्लियर चॉइसेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन केस ऑफ अपग्रेडेशन द
The candidate need not to go for either to deposit SAF or further verification of document. But the fresh allotment letter should be downloaded for a record. Once the allotment is upgraded, earlier allotted seat will be cancelled automatically and the candidate will not have any claim in the earlier allotted seat. So, in conclusion, जो भी मैंने बात बोली गाइस कि मान के चलते हैं आपको IHM भोपाल चाहिए था, ठीक है, आपको IHM भोपाल की सीट रिजर्व करके चल रहे थे, अब आपको IHM हैदराबाद मान लो मिल गया, ठीक है, जब आपको IHM हैदराबाद अलॉट हो जाएगा उसी टाइम आपकी IHM भोपाल की सीट कैंसिल हो जाएगी। ऑफ कोर्स आपको नया ऑफर लेटर जो है, ऑफर लेटर तो नहीं, जो भी इसमें बोलेंगे लेटर, लेटर ऑफ कंफर्मेशन जो भी टर्म यूज होगी, ठीक है, वो लेटर आपको अपने डाउनलोड कर लेना, एडमिशन लेटर, वो आपका अपग्रेड होके आ जाएगा IHM हैदराबाद का, लेकिन उसी टाइम आपके IHM भोपाल की सीट कैंसिल हो जाएगी, इस बात को दिमाग में रख के चलना। अगर आपको IHM हैदराबाद मिलता है इसका मतलब ये नहीं कि आपको 20,000 रुपए दोबारा देने की जरूरत है, वो 20,000 उस IHM हैदराबाद में एडजस्ट हो जाएगा। If any candidate registered in the first round and allotted seat but not able to produce the 12th pass certificate, okay, so यहाँ पर 12th के बारे में दे रखा है, अगर आपके पास 12th का certificate नहीं है तो यहाँ पर आपको return में undertaking देना होगा। Second is कि अगर आपके पास category certificate नहीं है तो आपको category certificate का return में undertaking देना पड़ेगा। अब गाइस एक चीज मैं तुम लोगों को बता दे दूं कि अंडरटेकिंग काम कैसे करता है। अगर तुम लोग 12वीं क्लास का अंडरटेकिंग दे रहे हो, अंडरटेकिंग का मतलब ये है कि मैंने 12th क्लास अपनी क्लियर कर ली है, 12th क्लास का मेरा रिजल्ट आ गया है या फिर आने वाला है, लेकिन एक प्रूफ भी साथ में दे रहे हो। सो अंडरटेकिंग का एक फॉर्मेट है, आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएगा, मैं शो भी कर दूंगा अंडरटेकिंग का फॉर्मेट, आप हमारे HBLC के इंस्टाग्राम हैंडल से डाउनलोड कर सकते हो या फिर इनकी वेबसाइट पर जाकर उस सर्टिफिकेट के फॉर्मेट को ले सकते हो। सो अंडरटेकिंग इज बेसिकली कि आप लोग उनसे टाइम मांग रहे हो डॉक्यूमेंट को बाद में सबमिट करने का। सो 12वीं का सर्टिफिकेट नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रूफ होना चाहिए कि आप लोग 12वीं में अपियर हुए थे, कुछ स्क्रीनशॉट तो होगा ना, मार्क्स वगैरह आए हुए थे, उसको साथ में अंडरटेकिंग के साथ अटैच करके फिर आपको देना पड़ेगा। सेम गोज फॉर आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट, अभी कोई प्रूफ ही नहीं है कि आपके पास कैटेगरी है ओबीसी एनसीएल की या किसी भी कैटेगरी की, तो फिर भैया तुम्हारी लंका लग गई। लेकिन अगर तुम्हारे पास कैटेगरी का प्रूफ है, ठीक है, लेकिन अपग्रेडेड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है जो कि 2017-18 में बना था लेकिन अपग्रेडेड नहीं है, ठीक है, अब तुम जाते हो कोर्ट में, कहते हो कि भाई मेरे को अपग्रेडेड चाहिए क्योंकि एनसीएचएम सिटी ने बोल रखा है कि एक साल का रिन्यूअल वाला ही चलेगा, तो तुम लोग कोर्ट में जाते हो, तुम लोग बोलते हो सर रिन्यूअल कराना है, वो बोलेगा अभी एक महीना लग जाएगा, मैक्स टू मैक्स एक महीना लेके चलते हैं। तो अभी क्या करें, तो अभी आप लोग ये कर सकते हो कि जो एक प्रूफ है आपके पास पुराना वाला है, भले वो प्रूफ तो है ना कि ओबीसी हो, उसका जो है उसका आपको कॉपी लेना है, साथ में उसके अटैच करना है अंडरटेकिंग को लिख के कि भाई मैंने रिन्यूअल के लिए दे दिया है और मैं नया वाला 30 सितंबर से पहले जमा करवा दूंगा। अंडरटेकिंग का फॉर्मेट आपको इनकी वेबसाइट में मिल जाएगा, वन हमारा HBLC के हैंडल पे भी मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे। तो ये आपको चीज करनी है, ऐसे अंडरटेकिंग काम करेगा। नेक्स्ट गाइस, इफ एनी कैंडिडेट रजिस्टर्ड इन द फर्स्ट राउंड एंड अलॉटेड सीट बेस्ड ऑन हिज और हर कैटेगरी एंड अप्लाइड बट नॉट फाउंड बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, तो यस, आप लोगों का अगर कैटेगरी के लिए बिलोंग करते हो किसी और वो कैटेगरी नहीं फाउंड होती तो आप लोगों की सीट कैंसिल हो जाएगी। Next, if any candidate allotted, accepted and confirmed the seat in the first round of counseling, but withdraw seat during the stipulated date through the online portal in the first round, तो yeah, यहाँ पर दे रखा है कि the seat as well as registration for the counseling will be cancelled. बेसिकली मतलब ये कि अगर तुम लोग स्टिपुलेटेड डेट जो इन लोगों ने दे रखी है उसके अंडर में अगर तुम लोग विड्रॉ करते हो तो तुम्हें 20,000 का रिफंड आ जाएगा। एंड स्टिपुलेटेड डेट क्या है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। फर्स्ट राउंड में अगर आप अपनी सीट विड्रॉ करते हो आपको रिफंड मिल जाएगा, सेकंड राउंड में करते हो रिफंड मिल जाएगा, थर्ड राउंड में करते हो रिफंड मिल जाएगा। एक बार फोर्थ राउंड क्लियर हो गया, खत्म हो गया, फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया तो आपको कोई फी रिफंड नहीं होगी। फीस जो होगी वो आपको 20,000 रुपए की थर्ड राउंड तक ही रिफंड होगी। इफ कैंडिडेट्स नॉट लॉक और फ्रीज द सीट, इट मे बी ट्रीटेड एज फ्लोटिंग टू द नेक्स्ट राउंड टू अपग्रेड, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट। वंस द अलॉटमेंट इज अपग्रेडेड, अर्लियर अलॉटेड सीट विल बी कैंसिल्ड ऑटोमेटिकली एंड द कैंडिडेट विल नॉट हैव एनी क्लेम इन द अर्लियर अलॉटेड सीट। तो गाइस मान लो कि तुम लोगों को कोई सीट अलॉट हुई है, ठीक है, तुम लोगों ने सीट वगैरह की फी वगैरह पे कर दी, सब कुछ चीज हो गई, अभी वो फ्रीजिंग फ्लोटिंग पूछ रहा है, तुम लोगों ने कोई चीज ही ऑप्ट नहीं करी, ना फ्रीजिंग ऑप्ट करा ना फ्लोटिंग, तो उसे फ्लोटिंग माना जाएगा, आप डायरेक्टली फ्लोट कर जाओगे और जो चॉइस प्रेफरेंस है वो चेंज नहीं करोगे तो वो सेम रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड और थर्ड राउंड की, जो हमारा ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड एंड पार्टिसिपेटेड, सिंपल है, 2000 रुपए का फीस करके अगर आपने फर्स्ट राउंड में अपियर नहीं हुए हैं, फर्स्ट राउंड में रजिस्टर नहीं करा 2000 रुपए दे के, ठीक है, तो आप लोग सेकंड राउंड में 2000 रुपए दे के यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है। वेकेंट सीट से एक बार देख लेना, उसके बेस पे चॉइस फिलिंग करना। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन द फर्स्ट राउंड, हाँ सिंपल है, अगर पहले राउंड में 2000 रुपए दे दिए हैं तो दूसरे राउंड में 2000 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड, सीट अलॉटमेंट इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड विल बी इन द सिमिलर कंडीशन, ओके, सेम कंडीशन रहने वाली है सीट अलॉटमेंट की सेकंड और थर्ड राउंड में जो फर्स्ट राउंड में रही थी। एनी बेटर रैंक कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग विल नॉट हैव एनी राइट टू क्लेम सच अ सीट अलॉटेड टू अ लोअर रैंक कैंडिडेट। फॉर एग्जांपल अगर आपकी रैंक 30 आई है और किसी की रैंक आई है 150, ठीक है, तो ऑफकोर्स प्रेफरेंस आपको देना चाहिए था ना, क्योंकि आपकी ऑल इंडिया रैंक 30 आई है और जिसकी 150 आई है उसे बाद में प्रेफरेंस देना चाहिए था। लेकिन अगर तुम फर्स्ट राउंड में अपीयर ही नहीं होगे,
ठीक है, और तुम डायरेक्टली सेकंड राउंड में अपीयर हो रहे हो, और हो सकता है कि फर्स्ट राउंड वाले को वो कॉलेज अलॉट हो जाए फर्स्ट राउंड में, तो तुम ना सेकंड राउंड में जाकर यही नहीं बोल सकते कि यार मेरी रैंक तो 30 है, उसकी 150 है, उसको वो कॉलेज क्यों मिल गया। सो बेसिकली ये है कि तुमने अपीयर ही नहीं करा था, इसके लिए तुमको नहीं मिला। बहुत सिंपल सा लॉजिक है वैसे ये तो। हाँ, तो ये तो सिंपल, आपको वैकेंसी देखनी पड़ेगी हर एक कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स बची है। फिर the candidates who have given floating option after acceptance of first round allotted seat will also be allowed to participate. हाँ, तो अगर आपने floating का ऑप्शन करा है तो आप लोग second round में participate कर पाओगे, अपने choice filling कर पाओगे। ये बहुत सिंपल है, आपको fresh allotment letter जो भी नया कॉलेज को मिलेगा वो डाउनलोड करना पड़ेगा। If seat is not allotted in this round, the candidate may participate in subsequent rounds and the registration will be fees will be carry forward. अगर इस राउंड में भी कुछ नहीं मिलता तो भी नेक्स्ट राउंड में आप जा सकते हो। The candidate not log or freeze, हाँ तो अगेन अगर इसमें भी वो लिखा है कि इस राउंड में भी आपको कुछ अलॉट होता है, आप ना लॉक करते हो ना फ्रीज करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, तो उसे फ्लोटिंग ही माना जाएगा। Candidate allotted seat in first, second or third rounds and want to withdraw, surrender the allotted seat can only do so through online mode in the counseling portal only before the starting registration or in the final round. No manual or bypass or email withdrawal will be entertained. Any withdrawal or surrender of seat after the above said date will be forfeit the SAF. अब गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को अगर जो भी विड्रॉ करना है, जो भी कुछ करना है ना, तीसरे राउंड तक कर लेना। दोबारा बता रहा हूँ, चौथे राउंड में पहुंच गए आपका कोई फी रिफंड नहीं होगा, 20,000 फी रिफंड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट राउंड है। इनकी यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा है कि आपको नहीं होगा कुछ भी रिफंड। फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलता है नहीं मिलता, जो भी है विड्रॉ कर लेना करना है, तो सेकंड में विड्रॉ कर लेना, थर्ड में कर लेना, फोर्थ में पहुंच गए विड्रॉ नहीं कर पाओगे, फीस रिफंड नहीं होगी। फिर हम लोग आते हैं फाइनल राउंड के ऊपर। कैंडिडेट शुड नोट दैट फोर्थ राउंड इज द फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑन ऑल इंडिया रैंक बेसिस एंड देयर विल बी नो फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है, इसके बाद कोई राउंड नहीं होगा। कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन अर्लियर राउंड्स अलॉटेड एक्सेप्टेड एंड फाइनलाइज द सीट बट वांट टू पार्टिसिपेट इन फाइनल राउंड अगेंस्ट द अवेलेबल वैकेंसीज में आल्सो डू सो। इन केस ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सीट इन दिस राउंड द अर्लियर अलॉटेड सीट विल रिटेन बट वाज द अर्लियर अलॉटमेंट सीट इज अपग्रेडेड अर्लियर सीट विल बी कैंसिल्ड एंड कैंडिडेट विल नॉट हैव एनी क्लेम इन द अर्लियर अलॉटेड सीट। अब गाइस ये पॉइंट भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो आपको पहले राउंड में कोई ना कोई सीट मिल गई, आपने कंफर्म कर दिया, पे कर दिया, सब कुछ कर दिया, आराम से बैठे हो। फाइनल राउंड में आप लोग सोच रहे हो कि यार फाइनल राउंड में आपको दिख गया कि यार वेकेंट सीट तो है मेरे से, और अच्छे अच्छे कॉलेज में आप लोग फाइनल राउंड में अपीयर कर सकते हो। सो फाइनल राउंड में वो सारे स्टूडेंट्स अपीयर कर सकते हैं जिनकी सीट पहले कंफर्म हो चुकी है, सब कुछ हो गया, कंफर्म हो गया पहले राउंड, दूसरा राउंड, तीसरे राउंड में अगर आपका सब कुछ कंफर्म हो चुका है, सीट अलॉटमेंट लेटर हो गया, कॉलेज मिल गया, फिर भी आप लोग फोर्थ राउंड में जा सकते हो। आप लोगों को वहां पर वेकेंट सीट्स देखनी है। अगर आपको दिख रहा है कि यार मेरे से बढ़िया वाला कॉलेज जो है वो वहां पर है, उसमें वेकेंट सीट्स है, तो आप अप्लाई करो, आप लोग फोर्थ राउंड में अपीयर हो। ये बच्चों का बहुत क्वेरी आ रहा था। यस, आप अप्लाई कर सकते हो फोर्थ राउंड में, वो भी फ्लोटिंग के तरीके माना जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि गाइस अगर आपको इसमें आपका जो अपग्रेडेड कॉलेज है वो नहीं मिला, तो अर्लियर कॉलेज तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन विड्रॉ करके पैसे वापस नहीं ले सकते इसमें, ठीक है। अभी आ गए हो तो एक नया कॉलेज तो मिलेगा, क्योंकि अगर आपको एक पहले मिल चुका है और अब अभी अपग्रेड कर रहे हो तो या तो अपग्रेड वाले मिलेगा या अर्लियर वाले मिलेगा, ठीक है। अगर अपग्रेड वाले मिलता है तो अर्लियर की सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। Candidate who have not registered and not participated in the first round, second round, third round of counseling and can register by depositing the registration fees of ₹2,000. तो 2,000 रुपए देके आप लोग इस राउंड में अपीयर कर सकते हो, लेकिन अगेन कुछ भी विड्रॉ नहीं होगा। Candidate has to deposit a fees of ₹20,000 to get a link to fill the choices in this round against the vacant seats. Seat allotment process in this round will be similar as mentioned in the first and subsequent rounds of counseling, except a withdrawal or surrender of seats. तो basically, guys, अगर आपको कोई भी college allot नहीं होता ना, तो ही आपको fees मिलेगी वापस। लेकिन अगर college allot होता तो फिर आपको कोई fees वापस नहीं होगी। ठीक है, कुछ रूल दिए रखे रिफंडेबल के, मैं दोबारा बताता हूँ। 2,000 रुपए आपके वन टाइम फी है, दोबारा रिफंड नहीं होगा। कैंडिडेट वर ऑलरेडी एक्सेप्टेड द फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड में विड्रॉ करना है, अगेन ये आपको पहले बता सकता हूं, तो आप विड्रॉ कर सकते हो। फाइनल राउंड में कुछ भी रिफंड नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में करते तो 100% रिफंड हो जाएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं दे रखा, बस एक पॉइंट है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो है एच वाला। रिफंड इफ एनी विल बी मेड बाय द काउंसिल डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट मेंशन ड्यूरिंग द ऑनलाइन विड्रॉ थ्रू पोर्टल। गाइज अगर आप लोग विड्रॉ करते हो तो आप लोगों को जो भी 20,000 रुपए का अमाउंट होगा ना, वो आपको विड्रॉ होगा विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन, यानी कि 7 अगस्त इनकी जो डेट दे रखी है, तो 7 अगस्त के बाद जो 45 दिन है, उन 45 दिन के बीच में आप लोगों को आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे 20,000 रुपए, 45 दिन के अंडर में होंगे। अभी टेंटेटिव डेट है 7 अगस्त, जो कि चेंज हो सकती है। उसके बाद तो गाइज सिंपल है बिल्कुल, आपका कोई माइग्रेशन नहीं होगा और इंटर इंस्टीट्यूट ट्रांसफर नहीं होगा। फीस स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, फीस स्ट्रक्चर भी आप लोगों को मैंने पूरा क्लियरली यहाँ पर शो कर दिया, इसके बारे में और डिटेल्स दे रखी है। तो बस गाइज यही मेन था अभी काउंसलिंग के बारे में। तो गाइज मैंने पूरी कोशिश करी डिटेल से आप लोगों को काउंसलिंग प्रोसेस के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को समझाने की, ठीक है। आई होप लोग कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हुए हो। अगर आप लोगों ने अपनी ऑल इंडिया रैंक कमेंट नहीं करी ना, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक कितनी आई है। गाइज प्लीज कमेंट करो, अपने फीडबैक दो, सजेशंस दो। मेरी वीडियो भी रेगुलरली आएगी मेरे चैनल पे, बट तुम्हारा जो ये कमेंट्स है ना और ये जो रिस्पॉन्स है मुझे बहुत मोटिवेट करता है। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।